गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज है संडे और आज है इनका चीट डे। नहीं, रोज हर संडे चीट डे नहीं होता, आज कभी कर लेते हैं, कभी कभी हर संडे नहीं होगा। तो आज चीट डे मतलब आज खाएंगे हम लोग बिरयानी। हम गए थे अपने घर, मेहमानी गए थे, कल पूजा था घर में, सावन चल रहा है तो इसीलिए मम्मी ने शिव चर्चा रखा था, तो उसी कल गए थे और आज चले आए। तो जब भी हम मेहमानी जाते हैं तो आकर हमको खाना ना बनाना पड़े, इसीलिए हम अपना जुगाड़ करके लाते हैं, बिरयानी लेकर आए ताकि हमको आकर खाना ना बनाना पड़े। इवन रात के लिए भी अपना जुगाड़ लेकर आए हैं, तो रात का तो बाद में आते हैं, रात में जब खाएंगे तब दिखाई देंगे। और अभी तो बिरयानी है तो वो भी दिखाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब भी आए हम। और हाँ, ये देखिए हरा हरा चूड़ी मेरे हाथों में, दो दो चूड़ियाँ है क्योंकि आज अभी सावन चल रहा है, तो सावन के पावन महीने में सारी मतलब सुहागिन औरतें पहनती है हरी हरी चूड़ियाँ, तो मैंने भी पहन लिया है। मतलब पिछले बार जब गए थे ना अपने घर तभी मम्मी बोली थी कि हरा चूड़ी पहन लो, तो उस टाइम भूल गए थे और चले आए थे। तो अब की बार जब गए मम्मी बोली है क्यों तुमको हरा चूड़ी पहनना था ना, हम बोले हाँ, तो मम्मी बोली कहाँ पहनी अभी तक, बोले दे दीजिए पहन लेते हैं, तो बस दो दो लगा लिए हाथ में। देखिए तो बस यही, ऐसे तो हम कांच का चूड़ी हमको पहनने में अच्छा लगता है पर पहनते नहीं उतना चूड़ी हम, पर एक बार और सावन में मैंने पहना था उसके बाद से अभी पहन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद से जाते हैं, बिरयानी खाएंगे, उसके बाद से रेस्ट करेंगे। और इधर तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, बरसात चल रहा है कि क्या चल रहा है पता भी नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, बूंदाबांदी हो रहा है, बूंद बूंद। अच्छा, बूंद बूंद में ही सागर होता है, बूंद बूंद। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है पर इधर ही ऐसा हो रहा है। हम लोग का उधर मेमारी में अच्छा खासा बारिश हो रहा है, बारिश अच्छा खासा हो रहा है, मौसम भी तो ठंडा ठंडा हो गया था, उधर तो बहुत अच्छा लग रहा था हमको, बारिश वारिश होता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए चलते खाने, लंच में दिखाते हैं बिरयानी, आशीर्वाद बिरयानी। आशीर्वाद बिरयानी का एक बार वीडियो बनाया था मैंने, हम लोग मेमारी में ही हम लोग का दुकान है आशीर्वाद बिरयानी। इसलिए तो बोलते कभी कभी घर से लाओ बिरयानी, घर के नीचे ही बिरयानी है, सुगंध आता है। देखिए सोचा था मटन बिरयानी लाएंगे पर मटन बिरयानी ख़त्म हो गया था, और हमको ट्रेन भी मेरा ट्रेन भी था और आज तो बहुत सारा ट्रेन कैंसिल था, इसीलिए जल्दी जल्दी आए हैं आज, तो उनको खाना नहीं बनाना पड़ा। मैंने सोचा मटन बिरयानी मटन हो या चिकन हो, बिरयानी बिरयानी ना। ये खा लेते हैं क्योंकि हमको बिरयानी अच्छा लगता है। एक टाइम था ऐसा कि हमको बिरयानी बहुत फेवरेट था, पर इतना खाया ना बिरयानी हम लोग को वहाँ दुकान हो जाने के बाद, उसके बाद से अच्छा लगता है पर ऑल टाइम नहीं। और ऐसे हम सब समय बिरयानी खाते नहीं है, जब जाके मन हुआ तो खाते हैं, नहीं तो इधर पे लेकर आते हैं अपने घर। हम तो एक गोटा प्लेट खा नहीं पाएंगे, देखिए एक प्लेट में कितना सारा है, इतना तो हम खाएंगे नहीं। ये देखिए मेरा थाली और उनका थाली, कैसा है आशीर्वाद बिरयानी, अच्छा ही बना है, अच्छा है, बस मटन नहीं है, चिकन मटन के बजाय सिर्फ चिकन है। सोचा चिकन ऐड करेंगे, चिकन मिल करेंगे, चिकन मिली है, चलिए हम भी खा लेते हैं। ऑलरेडी 2:15 हो गया है, ट्रेन का वजह से लेट हो गया हम लोग का। अरे अंडा नहीं दिया आज, अरे यार हम भी भूल गए, एक पीस दो पीस आलू जा, अंडा भूल गए, अंडा भूल गए। अब मेरे में भी दो पीस है, देखिए एक ये दो, अच्छा बड़ा बड़ा पीस दिया है पर अंडा नहीं दिया है, देखिए अंडा हम भूल गए और सलाद भी भूल गए। असल में मेरा जल्दी जल्दी था, नहीं तो ट्रेन नहीं मिलती इसीलिए जल्दी आ गए। ठीक है कोई नहीं, घर में सलाद है, चाहिए चाहिए काट देते हैं, सलाद है हाँ, वही प्याज सॉस है, यही सब तो रहता है, रहने दीजिए खा लेते हैं। वीडियो बनाते हुए आज मेरा बिरयानी ठंडा हो गया, चलिए खा लेते हैं पहले। खाना पीना हो गया तो सोचा कुछ प्रकृति का सेवा कर ले, इधर का मिट्टी ज़्यादा अच्छा है, पर देखिए कितना झाड़ हुआ है पूरा इधर, हम लोग का बगान में पूरा झाड़ हो गया है। मैंने सोचा इधर लगा देते, इधर का मिट्टी ज़्यादा अच्छा है, गाछ का अगर ये निकल जाए जड़ तो उधर लगा देंगे। कहाँ लगाओगे, इधर लगा, इधर हाँ इधर खाली है, बोल
ये देखिए मैंने गाछ लगा दिया, होगा कि नहीं नहीं पता। पानी दो, पानी दो। पानी डाल देते हैं? पानी दो, क्योंकि मैंने सुना है ऐसे लगा देने से गाछ नहीं हो जाता है, अब पता नहीं होगा कि नहीं। ये जंगल, देखिए जंगल हो गया। इधर आइए, देखिए ये पौधा देखकर कोई धोखा खा जाएगा कि ये नीम का पौधा है या कुछ और है। ये देखिए करी पत्ता का पौधा, इतना बड़ा। और आसपास देखिए ना कितना सारा करी पत्ता का छोटा छोटा पौधा निकला है, देखिए। और यहाँ पे नींबू का गाछ था। अरे ये आम भी हुआ है, ये तोड़ेंगे? आम कितना सारा आम हुआ है हम लोग के गाछ में, तोड़ेंगे? ये आम पकता नहीं है, ये इस आम से अचार बहुत बढ़िया होता है। दो फला आम है, दो फला आम है। और वैसे तो हम लोग का एक और आम गाछ है जो उधर है, वो आम गाछ में इतना सारा आम हुआ था ना कि बीच में जब झड़ उठता था मतलब करीबन 100 आम तो ऊपर से गिर गया ऐसे ही। देखिए ये वाला अभी भी होगा शायद, दिख नहीं रहा है बहुत, अभी नहीं होता है, अभी शायद होगा, अभी नहीं होगा, एक तो था, नहीं अभी नहीं होता है। गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल है, देखिए फूल भी हुआ है। और ये हम लोग का कटहल का गाछ, देखिए कटहल का गाछ है, इतना बड़ा कटहल हुआ था और इतना अच्छा था ना कटहल कि ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था वो सींचने में, बहुत अच्छा मतलब ये गाछ। और ये देखिए वाइट टगर फूल, ये भी टगर फूल का ही गाछ है। और चलिए एक और स्पेशल गाछ दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए हम लोग का समी गाछ कितना बड़ा हुआ है, अभी तो इसमें झाड़ हो गया है बहुत सारा, देखिए ये सब काटना है, साफ कर देंगे, साफ करेंगे वो, देखिए ये तो जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी, इसमें कितना सारा फूल आया है देखिए समी गाछ में ऊपर। और इधर देखिए मेरा छोटा छोटा लगाया हुआ तुलसी का गाछ, अमरूद का गाछ वो भी हुआ है। और इतना अच्छा इतना मीठा अमरूद होता है ना इसमें कि हम पहले था भी उतना मीठा नहीं है, फिर भी बोला जाए तो बहुत दुकान से तो अच्छा ही है ना। हाँ। देखिए कितना सारा अमरूद हुआ, पिछले साल तो बहुत अमरूद तोड़ तोड़ कर खाए थे हम लोग, बहुत अच्छा अमरूद होता है, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि क्या बताएं। हम लोग का पाड़ा का सब आते हैं तोड़ने अमरूद, इतना इसमें अमरूद होता है, वो भी है। और थोड़ा बारिश होगा तो और अच्छा होगा। चलिए परिवेश का थोड़ा सेवा कर लिए, अब थोड़ा अपना सेवा करते जाकर सोते हैं। अभी हो गया शाम 7:30 बज गया, पर शाम का नाश्ता करने का एकदम मन नहीं है क्योंकि आज लंच बहुत देर से किया हम लोग, क्योंकि हमें देर से लेकर आए हैं बिरयानी और कुछ खाने का मन नहीं है, पेट भरा हुआ है तो सोचा कि हल्का क्या करे तो ग्रीन टी पीते हैं। तो देखिए ये ग्रीन टी लेकर आए, दिख रहा है, अरे थोड़ा कैमरा, ये ग्रीन टी के साथ हम बिस्कुट उस्कुट नहीं खाते, बिस्किट उतना पसंद नहीं करते, बस कभी मन हुआ तो खा लेते। और यहाँ पर देखिए मेरा इग्लू, क्या कर रहा है इग्लू। उसका भी गाना बंद कर दिया इसीलिए वो सोच रहा है, गाना सुन रहा था कितना अच्छा से राइम्स सुन रहा था। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं, रात में डिनर करने जाएंगे तो डिनर में क्या है दिखा देंगे। बज गया है 9:30 और हम लोग चले हैं अपना डिनर टाइम में, ऐसे भी शाम को नाश्ता किए नहीं थे तो भूख लग गया है अभी तक, पेट खाली हो गया है शाम को ग्रीन टी पीने के बाद। और देखिए रात में डिनर में हम लोग का क्या है, ये रहा चिकन चाप और ये रहा बिरयानी, क्योंकि हम एक प्लेट बिरयानी कभी नहीं खा पाते हैं तो हमको पता था कि खा नहीं पाएंगे तो है। और यहाँ पर है रोटी, ये भी घर से ही लेकर आए थे, मम्मी को बोले थे बना दीजिए ताकि घर जाकर हम कुछ बनाना ना पड़े, तो बस यही है। और देखिए ये सब करते करते मेरा सारा कुछ ठंडा हो गया, तो कहिए कैसा है ये तो अच्छा बनाता है चिकन चाप, ये अच्छा है ना, ठंडा हो गया रोटी क्या चिकन चाप बिरयानी सारा कुछ ठंडा हो गया।
मैंने ही नहीं खाया है। चिकन सबके साथ कुर्सी ऐसे ही हमको अच्छा लग रहा है। आप मैं चाहे कुछ बंदोबस्त कर जाए थे ताकि आज हमको कुछ करना ना पड़े यहाँ पर। ना ये आप बिरयानी आप खा लीजिएगा। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा, न्यू वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा। टाटा नहीं कर पा रहे, हाथ झुकता है। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।